हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। सो फ्रेंड्स, आज है 29 अप्रैल। तो 29 अप्रैल के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को उसका पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @गवर्नमेंट नौकरी लिखकर सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा, और वहां से आप इसके पीडीएफ ले सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल जब हमने 28 अप्रैल के करंट अफेयर्स पढ़े थे तब लास्ट में आपको दो टेस्ट दिए गए थे। सबसे पहले वो टेस्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के यानी कि 29 अप्रैल के करंट अफेयर्स। सो कल का आपका पहला टेस्ट था कि किस बैंक ने ग्रीन कार लोन शुरू किया। तो उस बैंक का नाम है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में SBI ने इलेक्ट्रिसिटी से जो कारें चलती हैं उन्हें बढ़ाने के लिए, उनके बिक्री को बढ़ाने के लिए ग्रीन कार लोन शुरू किया है ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी है आपका। और दूसरा टेस्ट है आपका कि हाल ही में जीन मिसेल लैपिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो जो जीन मिसेल लैपिन है ये हाल ही में हैती देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी है आपका। और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर लगभग काफी स्टूडेंट ने सही दिए थे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के यानी कि 29 अप्रैल के करंट अफेयर। सो आज भी आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आज भी लास्ट में आपको दो टेस्ट दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ये जो करंट अफेयर्स हैं वो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं। और आज का सबसे पहला करंट अफेयर है कि विश्व भर में कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व भर में कार्यस्थल पर यानी कि जहाँ पर जो लेबर वर्क करते हैं वहाँ पर सुरक्षा, उनकी हेल्थ और सेफ्टी के लिए एक डे सेलिब्रेट किया गया है और ये दिन 28 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है, और अगर ये दिन 28 अप्रैल 2019 में सेलिब्रेट किया गया है तो इसका थीम आपको याद रखना होगा। इसका थीम है सेफ्टी एंड हेल्थ एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, इसका थीम है सेफ्टी एंड हेल्थ एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ये दिन पहली बार कब मनाया गया था। तो इस दिन को पहली बार ना 2003 में सेलिब्रेट किया गया था। और ये दिन किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये दिन ILO यानी कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। और उद्देश्य तो मैंने आपको बता ही दिया है क्यों मनाया जाता है। जो लेबर माइंस वगैरह में वर्क करते हैं ना, तो उनकी मेनली उनकी सेफ्टी के लिए और उनकी हेल्थ के लिए इस दिन को मनाया जा रहा है। यहाँ पर आपको मैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगी क्योंकि ये दिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया गया है। इसकी स्थापना देखिए 1919 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड के अंदर जिनेवा में है और इसके जो हेड एंड क्रम है गोए राइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ड्रोन और मानव रहित विमानों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो उस देश का नाम है श्रीलंका। मैंने आप लोग को पढ़ाया था ना कि श्रीलंका में हाल ही में बम विस्फोट हुआ है जिसके बाद श्रीलंका सरकार ने देश में ड्रोन और मानव रहित जो विमान है उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ पर आपको श्रीलंका के बारे में बताऊंगी क्योंकि श्रीलंका ने ये कदम उठाया। यहाँ पर श्रीलंका, इसकी कैपिटल श्री जयवर्धनमपुर कोट्टे और श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो भी है, आप लोग को बताया है मैंने। इसकी करेंसी है श्री लंकन रूपी। प्रेजिडेंट है मैत्रीपाल सिरिसेना और प्राइम मिनिस्टर है रेनिल विक्रमसिंघे। ये इंपॉर्टेंट बातें आपको श्रीलंका से रिलेटेड याद रखनी है। आज का अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में कौन पुरुष वनडे मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बन गई हैं। तो उनका नाम है क्लेयर पोलोसोक। ये जो पिक्चर में दिखा रही है ये है क्लेयर पोलोसोक जी। इन्होंने ना हाल ही में पुरुषों का ODI हुआ है यानी कि वनडे क्रिकेट मैच हुआ है जिसमें इन्होंने अंपायरिंग की है और ये ऐसी पहली महिला अंपायर है जिन्होंने पुरुष वनडे मैच में अंपायरिंग की है। देखिए जो क्लेयर पोलोसोक है ना, ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट अंपायर है। इन्होंने इससे पहले 2016 में पहली बार महिलाओं का वनडे मैच हुआ था उसमें अंपायरिंग की थी। अब इन्होंने पुरुषों के मैच में अंपायरिंग
की है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट अंपायर है, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में नोट करना होगा। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, कैपिटल है कैनबेरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय संविधान बुक जो है हमारी, उसका किस भाषा में अनुवाद किया गया है? तो भारतीय संविधान पुस्तक का हाल ही में कोंकणी भाषा में अनुवाद किया गया, यानी कि ट्रांसलेट किया गया इसको कोंकणी भाषा में। और इस बुक को कोंकणी भाषा में किन्होंने चेंज किया है? तो उनका नाम है स्टीफन क्वाड्रोस परमूड। इनका नाम याद रख लिए, स्टीफन क्वाड्रोस परमूड। इन्होंने हमारे भारतीय संविधान बुक को कोंकणी भाषा में ट्रांसलेट किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन हैम्पशायर क्लब में शामिल होने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो उनका नाम है अजिंक्य रहाणे। देखिए, जो अजिंक्य रहाणे हैं हमारे भारतीय खिलाड़ी, अब ये हैम्पशायर के क्रिकेट क्लब में शामिल हो चुके हैं और अब ना ये हैम्पशायर क्लब की तरफ से खेला करेंगे। देखिए, और ये जो पिक्चर में दिखा रही है, ये है अजिंक्य रहाणे, जानते ही होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेरा इंडिया अभियान शुरू किया है? तो मेरा इंडिया अभियान जो है वो ICMR के द्वारा शुरू किया गया। ICMR की फुल फॉर्म क्या है? तो उसकी फुल फॉर्म है इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और मेरा इंडिया में मेरा की फुल फॉर्म क्या है? तो मेरा की फुल फॉर्म है मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस। देखिए, इस अभियान को शुरू करने का मेन उद्देश्य यही है कि 2030 तक हमारे भारत में मलेरिया को बिल्कुल खत्म किया जा सके, भारत को मलेरिया मुक्त बनाया जा सके 2030 तक। इसलिए इस अभियान को शुरू किया गया है। अभियान का नाम याद रखना है, मेरा इंडिया अभियान का नाम है, जिसमें मेरा की फुल फॉर्म है मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस। और ICMR ने इस अभियान को शुरू किया है और ICMR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बारे में भी आपको बताऊंगी, जैसे कि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, इसके जो DG हैं, डायरेक्टर जनरल, उनका नाम है डॉक्टर बलराम भार्गव। ठीक है, डॉक्टर बलराम भार्गव जी का नाम भी याद रखना आपको। एग्जाम से पूछा जा सकता है कि ICMR के DG कौन है, तो आप बता देंगे डॉक्टर बलराम भार्गव। और ये है ICMR का लोगो, फुल फॉर्म इसमें लिखिए, फुल फॉर्म नोट कर लीजिए यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीन का निधन हो गया और आपको बताना है कि वो किस देश के ग्रैंड ड्यूक थे। सबसे पहले तो ये ग्रैंड ड्यूक क्या होता है, ये आपके माइंड में क्वेश्चन राइज हो रहेगा। तो देखिए, ग्रैंड ड्यूक जो है ना, इसका मतलब होता है किंग। ठीक है, और जीन जो है ये लग्जमबर्ग के ग्रैंड ड्यूक हैं। लग्जमबर्ग में किंग को ना ग्रैंड ड्यूक कहा जाता है। ये जो पिक्चर में दिखा रही है, ये हैं जीन, लग्जमबर्ग के ग्रैंड ड्यूक। और जो जीन है ये पांचवे किंग थे लग्जमबर्ग के, जिनका हाल ही में निधन हो गया, 95 ईयर की एज में इनका निधन हुआ है, ये भी बताना चाहिए आपको। यहाँ पर आपको लग्जमबर्ग के बारे में पता चाहिए, यहाँ पर लग्जमबर्ग, इसकी कैपिटल है लग्जमबर्ग सिटी, करेंसी है इसकी यूरो और प्राइम मिनिस्टर हैं जोवियर बैटल और किंग का नाम है हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक ने नए पोत को शामिल किया है, उस पोत का नाम बताना है। तो हमारे भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने हाल ही में नया पोत शामिल किया है। इस पोत का नाम है ICGSC 441, ये इसका नाम है। और इस पोत का उद्घाटन कहाँ से किया गया? तो इस पोत का उद्घाटन केरल में से किया गया, केरल के जो मुख्य सचिव है टॉम जोस, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। और इस शिप ने कहाँ से अपनी सेवा शुरू की है? तो इस शिप ने त्रिवंतपुरम के अंदर एक जगह है बिझिंजाम बंदरगाह, वहां से अपनी सेवा शुरू की है। ठीक है, यहाँ पर आपको इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी चाहिए, जैसे कि इंडियन कोस्ट गार्ड के DG कौन है? उनका नाम है राजेंद्र सिंह। और इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये दिन 1 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अग्निशमन सेवा सप्ताह कब समाप्त हुआ? तो जो भारतीय अग्निशमन सेवा सप्ताह है, ये हाल ही में 20 अप्रैल को फिनिश हुआ है। कब शुरू हुआ था? 14 अप्रैल को शुरू हुआ था। देखिए, आपको इसकी इंग्लिश बताती हूँ, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह
इसका मतलब इंग्लिश में है कि नेशनल फायर सर्विस वीक, ठीक है, जो कि 14 से लेकर 20 अप्रैल तक सेलिब्रेट किया गया। 20 अप्रैल को हाल ही में खत्म हो गया है। 2019 में ये जो सप्ताह मनाया गया, तो इसका थीम पता होना चाहिए आपको। इसका थीम है फायर प्रिवेंशन इज अ बेटर देन फायर फाइटिंग। ये क्यों मनाया जाता है दिन, इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि 14 अप्रैल 1944 में क्या हुआ था कि मुंबई में पोर्ट ब्लेयर पर एक फोर्ट स्टीके नामक एक शिप थी जिसमें बहुत भयानक आग लग गई थी, और उस आग की वजह से 66 फायरमैन जो होते हैं वो मर गए थे। ठीक है, उन्हीं फायरमैन्स को याद करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, इस हफ्ते को हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताती हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस देश की सेना में पहली बार सामान्य ड्यूटी के लिए महिलाओं महिला सैनिकों को भर्ती किया गया है, तो उस देश का नाम है भारत। हाल ही में हमारे भारत में सामान्य ड्यूटी के लिए महिला सैनिकों को भी भारतीय सेना में शामिल किया गया है। ठीक है, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है हमारे भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी चिकित्सा ड्रोन सेवा शुरू की है, तो उस देश का नाम है घाना। हाल ही में घाना ने दुनिया की सबसे बड़ी चिकित्सा ड्रोन सेवा शुरू की है, यानी कि अब ड्रोन की मदद से मेडिकल हेल्प दी जाएगी। घाना के बारे में बताती हूँ, यहाँ पर घाना इसकी कैपिटल है एक्रा, करेंसी घानियन कैडी, प्रेसिडेंट है नाना अकूफो अडो। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको घाना के बारे में याद रखनी है। आज का जो आखिरी क्वेश्चन है आपका वो ये है कि हाल ही में कितने राज्यों ने ऑपरेशन नाइट राइड शुरू किया है, तो 3 राज्यों ने शुरू किया है। 3 राज्यों के नाम आपकी स्क्रीन पे लिखे हैं, उनके नाम है तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इन 3 राज्यों ने मिलकर ऑपरेशन नाइट राइड शुरू किया है। सो ए ऑप्शन सही है आपका। क्यों शुरू किया गया ये ऑपरेशन नाइट राइड, तो जिन राज्यों में जो टूरिस्ट बसें जाती हैं, किसी भी राज्य में हमारे भारत के जो टूरिस्ट बसें जाती हैं उनकी चेकिंग के लिए ये ऑपरेशन नाइट राइड शुरू किया गया। ठीक है, ताकि आतंकवाद को कम किया जा सके, मेनली इनका फोकस इसी चीज़ पे है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, और 3 राज्यों के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है, होप आपको याद ही होगा। और जैसे कि स्टार्टिंग में कहा था मैंने आपको कि लास्ट में टेस्ट दिया जाएगा आपको, तो आपका टेस्ट है कि हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं, इन 4 ऑप्शन में से बताना है आपको। और दूसरा टेस्ट है आपका कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में कौन सा देश शीर्ष पर है, इन 4 ऑप्शन में से उसका नाम भी बताना है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे, इसका आंसर जरूर दिया करिए क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है इससे, और डिटेल में आंसर बताया करें ताकि अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो सके। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।